भारत के एक हथियार ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद भारत का ये हथियार दुनिया की पसंद बनता जा रहा है। इस हथियार की ताकत देख भारत के दुश्मन घबरा रहे हैं। अब इसी हथियार पर दुनिया के एक ताकतवर देश फ्रांस का दिल आ गया है। फ्रांस ने ऐलान किया है कि उसे भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका पसंद आ गया है। फ्रांस ने कहा है कि वो पिनाका रॉकेट सिस्टम का मूल्यांकन कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो फ्रांस भारत का पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद सकता है। ये खबर इतनी बड़ी है कि देश विदेश सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। अगर ये डील हो गई तो फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वो पहला परमानेंट मेंबर होगा जो पूरी तरह से भारत में बने खतरनाक हथियार को खरीदेगा। आपको बता दें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। ये शुरुआत से लेकर अंत तक भारत में ही बना है। ऐसे में फ्रांस वो पहला ताकतवर विकसित देश हो सकता है जिसके हाथों में पिनाका रॉकेट सिस्टम होगा। अभी तक भारत फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों को डिफेंस सॉफ्टवेयर या हथियारों के स्पेयर पार्ट्स बेचता था, मगर पहली बार फ्रांस जैसे देश को पूरा हथियार बेचने पर बात हो रही है। इस डील का भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर जबरदस्त असर पड़ सकता है। भारत के हथियारों पर पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ जाएगा। अगर फ्रांस ने पिनाका सिस्टम खरीद लिया तो ये भारत के स्वदेशी हथियारों का सबसे बड़ा प्रचार होगा। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रांस की डील स्वदेशी हथियारों के एक्सपोर्ट में उछाल ला सकती है। भारत पहले ही अर्मीनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम दे चुका है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भी दी है। भारत आस पड़ोस के देशों और अफ्रीकी देशों में भी हथियार बेचता है, मगर फ्रांस सबसे बड़ा क्लाइंट हो सकता है। आपको बता दें कि भारत के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम का धार्मिक महत्व भी है। पिनाका हथियार प्रणाली का नाम भगवान शिव के धनुष पर रखा गया है। बहरहाल इस डील को लेकर कुछ लोगों ने चिंता भी जताई है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्रांस भारत से पिनाका खरीद के यूक्रेन को बेच सकता है, क्योंकि फ्रांस की अभी किसी देश के साथ सीधी जंग नहीं है। फ्रांस दूसरे यूरोपीय देशों की तरह ही ये हथियार यूक्रेन में खड़े कर सकता है। वैसे तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भारत पूरी शर्त के साथ ही पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रांस को देगा, मगर फ्रांस ने शर्त तोड़ भी दी तो भारत कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप सोचिए कि यूरोप के एक देश एस्टोनिया ने रूस से लड़ाकू विमान खरीदे और उन्हें यूक्रेन को बेच दिया, यानी ऐसी स्थिति में रूस भी कुछ नहीं कर पाया। ऐसे में जब रूस के बेचे हुए हथियारों का इस्तेमाल ही रूस पर हमले के लिए किया जा रहा है तो पिनाका सिस्टम पर भी थोड़ी चिंता बढ़ जाती है। मगर जो भी हो, अगर फ्रांस ने पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद लिया तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी।